तो हेलो गाइस, तो हम लोग जो खेल रहे हैं आर्क मोबाइल और मैं आ गया हूँ अपने फिर से सोलो वर्ल्ड में। तो ये गिफ्ट मिला है, इसको खोलते हैं और ये देखो इसमें से जो हम लोगों को राइफल मिल गई है, तो इस ब्लूप्रिंट को इसके अंदर रखेंगे क्योंकि मतलब राइफल वगैरह इसी में बनेगी हमारी। और इस सैडल को हम लोग स्मिथी में रख देते हैं, तो ये एंकिलो की सैडल है। और बाकी अभी देखो रात हो रही है तो सो जाते हैं फटाफट। तो अभी देखो सुबह हो गई है और ये देखो हम लोगों ने जो मतलब मैंने ये टेम किया था इसके अंदर ये मछली जैसी, और इसका नाम मैंने मतलब जलपरी रख दिया था। तो इसको भी मतलब यहीं पर रखेंगे, मैंने इसके लिए मतलब बड़ा सा गेट लगा दिया है। बाकी ये तो मैंने कुछ चीज़ें खोल दी थी लेवल अप करके। बाकी ये चेस्ट है, इसके अंदर मैंने अपना मतलब सामान रखा था क्योंकि मैं मतलब फास्ट ट्रैवल करके बेड से थोड़ा मतलब जो आर्टिफैक्ट वगैरह है वो वहाँ पे ट्रिब्यूट वगैरह कर रहा था ताकि मतलब एम्बर वगैरह मिले मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी ये तो खाली है और इसके अंदर ये देखो जो मतलब मैंने एम्बर ट्रिब्यूट वगैरह किए थे उसमें से मेरे को ये कुछ रिवाइवल पॉइंट वगैरह कुछ ऐसे मिले थे ये। तो इसका तो देखो मेरे को पता नहीं है कि इससे मतलब क्या करेंगे हम लोग, मतलब इससे होगा तो रिवाइव वगैरह ही डायनासोर, लेकिन मेरे को लगता है मतलब एम्बर वगैरह लगेंगे तो मैं इसको मतलब यूज़ तो करने नहीं वाला ज़्यादा। बाकी थोड़ी बहुत ये चीज़ें हैं जो मतलब ट्रिब्यूट करने से मेरे को मिली थी, और थोड़ी बहुत चीज़ें मतलब इसमें वो हैं जो ड्रॉप से मिली, और ये हमारे नार्कोटिक सारे के सारे। तो इसकी तो ज़रूरत अभी देखो पड़ने वाली है क्योंकि हम जाएंगे अभी टेम करने के लिए अपने आरजी को। तो देखो अर्जेंट है तो मतलब चाहिए ही है क्योंकि उसका जो मतलब वेट वगैरह भी ज़्यादा होता है और मतलब वो जो बाकी के डायनासोर है उनको मतलब आराम से उठा लेता है सबको, और जो हमारा ये पैटरडॉन है ये मतलब ज़्यादा बड़े डायनासोर को उठा नहीं सकता है। तो मैं आरजी पकड़ूंगा और ये देखो स्मूथिंग में हम ले लेंगे। तो मेरे को मतलब एक ट्रिक भी मतलब पता चली है, तो उसमें तो मतलब मेरे को जो ये नार्कोटिक वगैरह इनकी भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो भाई मैं मतलब अर्जेंट अभी ढूंढने के लिए जा रहा था और ये देखो क्या मिल गया है मेरे को, एक मतलब ये पूरे टाइटन है। तो ये एक ही लेवल का है लेकिन इसकी हेल्थ देखो भाई 230,000 तक इसकी हेल्थ ही है, तो इसको मतलब कौन ही टेम करेगा भाई, इतना बड़ा है ये, इसको तो मतलब साल के साल लग जाएंगे टेम करने के लिए। तो यहाँ से तो हम लोग चलते हैं, तो मैं फटाफट से लोकेशन के ऊपर पहुँच के जो ट्रैप लगा देता हूँ वहाँ पर। तो मैं मतलब ट्रैप लाना भूल गया था तो मैं वापस बेस पे भी गया था और वहाँ से मतलब फिर से ट्रैप बना के लेके आया हूँ। तो फटाफट चलते हैं फिर लोकेशन के ऊपर। तो अब देखो ये लोकेशन और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं, तो इसी जगह पर मतलब मैं अपना ट्रैप बनाऊँगा, थोड़ी सीधी सी जगह देखते हैं। तो यहाँ पर मतलब आरजी तो स्पॉन होते ही बहुत सारे हैं, पर साथ मतलब बाकी के डायनासोर जैसे आलूसोरस वगैरह रैक्स वगैरह भी यहाँ पर स्पॉन होते हैं, तो उनसे मतलब थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। तो मैं यहाँ साइड जैसे मैं ट्रैप बनाऊँगा, ज़्यादा आगे मैं जाऊँगा नहीं, और मैं मतलब आरजी को यहाँ पर लेके आ जाऊँगा अपने पीछे। बाकी ये लगाते हैं, ये दो लग गए, तो इसको यहाँ से लगाते हैं क्योंकि मेरे को मतलब गैप का पता नहीं चल रहा है कितनी जगह छोटूं बीच में। तो ये तीन हो गए और ये लास्ट ये हो गई यहाँ पे। बाकी अब देखो इस साइड में जो डोर लगा दूँगा एक, ताकि मतलब यहाँ से वो बाहर ना निकले, और एक डोर मतलब मैं अब अपने इसमें आगे इन्वेंट्री में रख लेता हूँ। तो इसको हटा के ये रख लेते हैं, जैसे आरजी अंदर जाएगा हम लोग डोर लगा देंगे फटाफट और इसको मतलब बंद कर देंगे आरजी को यहीं पर। तो चलते हैं फटाफट से ढूंढते हैं एक आरजी। तो यहाँ पर तो ऐसे बहुत सारे आरजी स्पॉन होते रहते हैं पर मुझे कोई दिख नहीं रहा है, एक भी आरजी नहीं दिख रहा है वहाँ पर, एक घूम तो रहा है पर वो देखो वहाँ पर मतलब ये आलू सॉर्स वगैरह घूम रहे हैं। बाकी एक में तो देखो कुछ ये लाइट जैसी चल रही है तो मेरे को लगा अल्फा होगा, पर ये भी मतलब सिंपल ही है। बाकी यहाँ पर मतलब थोड़े स्पॉन तो हो रहे हैं अभी, एक आरजी देखो घूम रहा है वहाँ पर, उसका लेवल का नहीं मतलब मेरे को लग नहीं रहा है कि ज़्यादा लेवल का होगा शायद वो, तो देखते हैं उसका लेवल कितना है मतलब। भाई
तो ये 50 लेवल का है, तो इसको तो देखो पकड़ूंगा नहीं मैं, थोड़ा ज़्यादा लेवल चाहिए, मतलब कम से कम 90 लेवल के आसपास तो होना ही चाहिए यार जी, तब मतलब वो टेम होने के बाद कम से कम 105 या 10 तक तो जाएगा ही उसका लेवल, तो इतने लेवल का तो चाहिए मतलब, तो इसको तो नहीं पकड़ेंगे। तो इंतज़ार करता हूँ मैं जब तक मतलब और आर जी यहाँ पर स्पॉन हो जाते हैं। तो भाई मैं बड़ी देर वहाँ पे रुका रहा, लेकिन मतलब एक भी आर जी स्पॉन नहीं हो रहा था, तो मेरे को इसको पकड़ना पड़ रहा है 50 लेवल वाले को ही, तो उसको लेके चलते हैं अपने पीछे, कि मतलब थोड़ी थोड़ी देर में पीछे वापस मुड़ जा रहा है, तो इसको रुक रुक के मतलब इंतज़ार करना पड़ रहा है मेरे को, और ट्रैप मेरे पीछे ही रह गए, बस ये मतलब सीधा सीधा आ जाए मेरे पीछे, ट्रैप के अंदर पहुँच जाए आ जाए, वो देखो फिर से घूम गया। तो इसको यहाँ पर छोड़ता हूँ मैं एक बार, तो इसको मतलब यहीं पर पैसे कर लेते हैं, तो चलते हैं अब फटाफट, मैं उसको मतलब गोलियाँ मार के लेके आऊँगा, तो वो गया कहाँ पर वो देखिए, इसको भी बताता हूँ मैं, और ये बड़ा शॉट, अब ये खुद पीछे आएगा, इसको बस एक बार ट्रैप कर लूँ मैं, उसके बाद तो मतलब ये टेम हो ही जाएगा आराम से, बस ये सीधा आता रही हो और सीधे 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 अंदर आ जा आ जा, और ये हो गया ट्रैप हमारा आ जी, तो फटाफट बाहर निकलते हैं। तो ये देखो भाई क्या मस्त, इसका बस लेवल कम है, तो टेम होने के बाद तो ये मतलब चला ही जाएगा शायद, 80-90 लेवल तो हो ही जाएगा इसका शायद से, तो बाकी अब इंतज़ार करते हैं मतलब रात होने का यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद ही मतलब वो ट्रिक वगैरह यूज़ करूँगा मैं, और फिर देखना कितना जल्दी जो है टेम होता ही है। तो अभी भाई देखो मैं यहाँ पर घूम रहा था, इंतज़ार कर रहा था मतलब कब तक रात होगी, और यहाँ पर मेरे को एक आर्ची दिखा, ये देखो ये वाला नहीं, इस वाले में देखो भाई 105 लेवल का आर्ची, और ये मतलब इतना लेट स्पॉन हुआ ना यहाँ पे, थोड़ा मतलब पहले स्पॉन हुआ तो मैं इसको पकड़ लेता, तो अब मैं देखो सोच रहा हूँ कि मतलब इस वाले को पकड़ूँ मैं 105 वाले को, तो अब मेरे को इसको तो फिर मारना पड़ेगा। तो आर्ची टाटा, तो ख़त्म करते हैं इसको फटाफट से, ये तो मतलब इसी छोटी वाली बंदूक के मतलब दो तीन शॉट में मर जाएगा, दो तीन चार, एक गोली मतलब एक्स्ट्रा मार दी, तो चलो कोई ना, तो हम इसको फटाफट से ख़त्म करते हैं यहाँ से, हटाते हैं उसको, और इसको भी मतलब मेरे को तोड़ना पड़ेगा, तो सर चलो कुछ नहीं है मैं नया गेट बना लूँगा, तो इसको देखते हैं, थोड़ा सा फूड कम पड़ती है, तो ये तो देखो बन जाएगा आराम से, फिर मैं उस आर्ची को फटाफट से यहाँ लेके आता हूँ। भाई आर्ची को अपने पीछे लाना मतलब इतना मुश्किल है ना, उसके पीछे देखो ये दो पागल और घूम रहे हैं, ये तो मतलब उसको आने नहीं दे रहे हैं मेरे साथ मेरे ट्रैप तक, तो इनको पहले ख़त्म करना पड़ेगा, तो मैं देखो यहाँ बैठ रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो आर्ची की हेल्थ तो बहुत ज़्यादा कम थी, तो वो तो मतलब मर गया है, तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते, उसकी हेल्थ तो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी पैराडॉन के शॉट से ही, तो मेरे को मतलब और देखना पड़ेगा कोई आर्ची अगर दिख जाए यहाँ पे, तो इसको देखते हैं कौन चला गया, ये तो 40 लेवल का है, और ये वाला 130 का है, इसको कर सकते हैं हम लोग, तो चलते हैं इसके पास फटाफट, इसको फटाफट ट्रैप के अंदर बंद करते हैं। तो भाई अब देखो मैं आरजी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये पागल तो अलग से ही आ रहा है यहाँ पे, तो इसको ख़त्म करते हैं फटाफट, इसकी मतलब हिम्मत कैसी हुई थी यहाँ पे आने, तो इसको तो एक गोली पक्की पड़ेगी, और ये गेम भी लैग हो रही है, नहीं भाई मेरा 130 लेवल का आरजी यार, तो मतलब एक और आरजी ढूंढना पड़ेगा, तो ढूंढते हैं फटाफट एक और आरजी को, तो ये तो गलती से मर गया यहाँ पे,
इसकी मतलब इतनी कम हेल्थ थी, मेरे को लगा मतलब एक शॉट बजेगा तो पीछे तो आएगा, पर वो मतलब उसकी इतनी कम हेल्थ थी वो तो एक ही शॉट में मर गया। तो फिर से ढूंढना पड़ेगा एक नया आरजी, तो मैं फ्लावर ढूंढ के उसको ट्रैप करता हूँ। तो अब देखो भाई, मैंने मतलब एक आरजी को जो है यहाँ पर ट्रैप कर दिया है, तो इसका लेवल भी दिखाता हूँ मैं, अगर यहाँ से दिखेगा, यहाँ से नहीं दिख रहा, रुको, यहाँ पर साइड में बैठ के आराम से मतलब इसका लेवल दिखाता हूँ मैं। तो बैठ जा भाई, तो ये देखना अभी, तो ये वाला जो आरजी है मेरा, ये 110 लेवल का मिला है मेरे को। बाकी ये फीमेल है तो इससे मतलब अंडे वगैरह भी मिलते रहेंगे, तो उससे कीवल वगैरह बनाने का भी अपना होता रहेगा। और एक मिनट भाई, ये मतलब कितना सारा डैमेज दे रही है भाई, थोड़ी देर में टूट जाएगी मेरे शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है ये जो मैंने गेट लगाए हैं, तो और ये मतलब रिपेयर भी नहीं हो रहे हैं। तो इंतज़ार करता हूँ मैं अभी थोड़ा, मतलब जब तक रात नहीं होती, फिर उसके बाद दिखाता हूँ आपको मतलब क्या ट्रिक क्या वो इसको टेम करने की। तो अभी देखो भाई, रात होगी है तो ज़्यादा रात तो हुई नहीं है, पर फिर भी मैं देखा सो रहा हूँ, तो 4 घंटे स्किप हो जाएंगे हमारे, तो देखते हैं। तो अभी मतलब सुबह नहीं हुई तो फिर से सोएंगे, कुछ खाना पड़ेगा तो फटाफट खाते हैं इसको और पानी पी के फिर से सो जाते हैं। तो 4 घंटे देखो और हो गए, तो 8 घंटे टोटल हमने स्किप कर दिए हैं और सुबह भी हो ही जाएगी शायद, हाँ। तो अब देखना, तो अब शुरू करते हैं मतलब इसको पकड़ने का, तो इसको बेहोश करते हैं फटाफट। ये लग क्यों नहीं रहा है भाई, और ये वजह इसकी हेल्थ भी मतलब बहुत ज़्यादा जा रही है भाई, लेकिन सोच सोच के मतलब ये एरो इसको मारने पड़ेंगे, कितनी ज़्यादा हेल्थ जा रही है इसकी। इसके लिए मेरे को शायद दूसरी बो लेके आनी चाहिए थी, सिंपल वाली, बस ये जल्दी से बेहोश हो जाए क्योंकि इसकी हेल्थ ज़्यादा नहीं है। एक और मार के देखते हैं, और ये देखो हो गया बेहोश। अब देखो, अब जादू दिखाता हूँ, तो इसकी इन्वेंट्री खोलने दो एक मिनट, यहाँ पे अंडा पड़ा है, तो ये देखना अभी। और देखो इसका जो मतलब फूड है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, तो अब अगर मैं इसको मतलब जो सिंपल मीट होता है वो भी खिलाऊंगा, तो भी ये सिर्फ कुछ मतलब एक आध मिनट में ही टेम हो जाएगा, उससे भी जल्दी मतलब। तो इसको फटाफट से मैं स्मूथिंग बाम खिलाऊंगा और उसके बाद फटाफट से जो इसकी इन्वेंट्री में मीट डालते हैं। तो यहाँ से तो जा नहीं पा रहे हैं, चलते हैं, तो पहले जो स्मूथिंग बाम डालते हैं जल्दी टेम होगा, और बाकी देखना अभी। देखो एक ही बार में देखो कितना सारा हो गया, और ये बस थोड़ा सा और डालना है, और ये देखो, तो हमारा जो आरजी है देखो वो इतनी जल्दी जो है टेम भी हो गया। तो इसको फॉलो पे लगाते हैं, और इसको मैं फटाफट से जो बेस के ऊपर लेके चलते हैं और इसकी सैडल भी बनाते हैं उसके बाद। तो अब देखो, हम इसको बेस के ऊपर तो लेके आ गए हैं, और इसको मतलब बेस पे लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, पर मतलब फिर भी ये देखो 164 का हो गया है, और ये मतलब ठीक ठाक ही है आरजी। बाकी मैंने बीच में एक दो ड्रॉप लूटी थी तो उसमें से थोड़ा बहुत सामान मिल गया था। तो इसको देखो भाई, मतलब क्या ही ख़तरनाक लगता है ये देखने में, कितना बड़ा है भाई ये आरजी। तो इसके सैडल बनाते हैं, तो मैंने शायद से तो सैडल खोली थी इसकी, तो इसमें तो नहीं आ रही है शायद, वो मतलब यहीं पर आएगी सैडल, हाँ ये देखो। तो इसके लिए अब चाहिए फाइबर और थोड़ी सी ये हाइट, तो ये ले लेते हैं, थोड़ी और चाहिए, मतलब ये थोड़ी मतलब कम नहीं करेंगे, जितनी चाहिए मतलब पूरी चाहिए, और बाकी ये लेके बना लेते हैं। तो बाकी सामान मैं मतलब वापस रख दूंगा इसके अंदर, बाद में काम आएगा ये, तो इस अंडे को क्या नहीं रखेंगे। बाकी का ये सामान गया, और अंडे वाली चेस्ट ये, तो इस पर तो मीट जाएगा सारा का सारा ये, तो ये चला गया। बाकी तो और देखो कुछ नहीं है इसमें रखने वाले के लिए, और इसमें से तो अभी फिलहाल कुछ नहीं चाहिए है, या चलो ले लेते हैं इसमें थोड़ा सा फूड, थोड़ा सा फूड निकाल लेते हैं अपने लिए। और अब क्या रह गया, तो इस कचरे को देखो फेंक दूंगा मैं, इतना ज़्यादा मेरे को चाहिए नहीं है ये स्पॉइल मीट, तो
क्योंकि मतलब ये तो शायद से तो ये सिर्फ उसी के काम आता है नारकोटिक वगैरह बनाने के लिए, और वो मतलब मेरे पास पहले से बहुत सारा पड़ा है ये देखो, तो ये भी डाल देते हैं इसमें। देखो नारकोटिक की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी वहाँ पर, क्योंकि उसको मतलब टेम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। तो इस वाटर बैग को तो मैं साइड में रखूँगा, और बस इतने सामान आना था इसमें। बाकी जो मेरी ये वाटर बैग है इसको हम इसमें डालेंगे बाद में, मतलब केबल बनाने के काम आएगा, और इसको इसमें रख देते हैं। तो सैडल देखो पहनाएंगे हम लोग आरजी को अपनी, ये तो किसकी इन्वेंटरी होगी भाई, इसको फेंकते हैं पहले, ये किसी काम का नहीं है। बाकी अब इसको पहनाते हैं सैडल, और ये देखो भाई सैडल भी लग गया अपने आरजी पे। और ये जो आरजी का अंडा है इसको हम यहाँ पे रख देंगे, तो पहला अपना आरजी का अंडा भी आ गया है। तो ये देखो अपना आरजी मतलब एकदम तैयार हो गया है। तो इसके ऊपर मतलब मैं आराम से जो है दूर दूर से लूट वगैरह भी लेके आ सकता हूँ, क्योंकि मतलब जो मेरा पैराडॉन वगैरह है इसके ऊपर मैं ज़्यादा सामान उठा नहीं पाता था। तो आठ जी पे अब मैं दूर दूर से मेटल वगैरह इकट्ठा करके ला सकता हूँ, और भी मतलब जैसे ऑब्सीडियन वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी अब आगे, तो वो सब कुछ तो मैं एकदम आराम से लेके आ सकता हूँ। बाकी अब देखो इसको तो पकड़ लिया है, और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और वीडियो को शेयर भी कर देना।